हाय एवरीबॉडी, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है हाउ टू रिड्यूस वेट एंड इंचेस। तो आपने अपना वेट और इंचेस कैसे रिमूव करने हैं, जो आपका बेली फैट है उस बढ़ा हुआ है उसको कैसे रिमूव करना है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई आल्सो यूज दिस टिप्स एंड डाइट्स। जिस जो मैं आज बताऊंगा वो मैंने यूज़ किए हैं, क्या क्या डाइट मैं खा रहा हूँ, क्या क्या खाता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग। तो ये फॉर एग्जांपल अगर मेरा पहले वेट ऐसा था तो अब ऐसा है, दैट्स रियलिटी है। जो जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे देखा है और उन्होंने बोला ये कॉम्प्लीमेंट भी दिए हैं कि यस यू रिड्यूस टू मच वेट। नियर अबाउट इन दिस लॉकडाउन आई रिड्यूस नियर अबाउट 15 kg वेट एंड 6 inches। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट डे आपके जो शेड्यूल है वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले नियर अबाउट 6 to 6:30 AM हॉट वाटर विद लेमन और अमला टी। मीन्स आपने क्या करना क्या है, या तो सिर्फ गर्म पानी करना है, गर्म पानी करने के बाद उसमें हाफ लेमन स्क्वीज करना है, स्क्वीज करने के बाद उसको आपने सिप सिप करके पी लेना है। अगर लेमन से आपका गला ख़राब हो रहा है तो आप मलट्ठी पानी में उबाल सकते हैं। मलट्ठी के जो छोटे लट्टी के टुकड़े होते हैं उनको पीस के आप पानी में बॉयल कर लो और आधा लेमन आप स्क्वीज करके उसको आपने रूटीन में लेना है। देन आपने नियर अबाउट 7 to 7:30 लाइट टी विद शक्कर। शक्कर का मीनिंग क्या है, चीनी नहीं है, ये वाइट चीनी नहीं है, शक्कर है जो गुड़ के साथ शक्कर मिलती है मार्केट में। शक्कर लेनी है आपने, ना गुड़ लेना है ना आपने चीनी लेनी है, ओनली शक्कर लेनी है और 5-6 almonds लेने हैं, उनका छिलका उतार के जो रात को आपके भिगोए हुए। तो ये अर्ली इन मॉर्निंग है 6:30 to 7:30 तक का ये शेड्यूल आपका। देन आपका आ गया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में क्या है फ्रेंड्स, आपने 8:30 to 9:30 ब्रेकफास्ट है, एक प्लेन चपाती लेनी है आपने विद वन बॉयल वेजिटेबल है। वेजिटेबल किसी भी प्रकार का होता है, जैसे काले चने हैं, वाइट चने हैं, राजमा है, कद्दू है, और जो सब्जी आपको लगती है आलू को छोड़ दें, यहाँ पे आलू नहीं खाने अपने। आटा जो है आपका मल्टीग्रेन आटा होना चाहिए, या फिर आप अपने जो आपका वीट का है, कणक होती है उसका जो आटा है उसमें आप एक दो आटे मिक्स कर लें, जैसे रागी का आटा हो सकता है, एक बार रागी का आटा मिक्स करके खा लें, एक बार आप चोकर का आटा मिक्स करके खा लें, इस प्रकार के आप एक जवी का आटा मिक्स करके आप खा सकते हो। तो मल्टीग्रेन होना चाहिए आपका जो आटा है, और जो चपाती आपने खानी है बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उसको आपने घी के साथ मिक्स नहीं करना है या घी के साथ चोपड़ना नहीं है, आपने उसको सिंपल प्लेन आपने ब्रेकफास्ट करना है। देन हम आएंगे 11 बजे के बाद। ब्रेकफास्ट के बाद आपने 11 बजे सुबह क्या खाना है, एक फ्रूट सीजनल फ्रूट होना चाहिए, कोई भी फ्रूट हो सकता है, जैसे अभी गर्मी में तरबूज आ रहा है, पपीता आ रहा है, खरबूज आ रहा है, तो इनमें से कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो आप। अगर वो नहीं लेना नारियल पानी ले सकते हो, अगर नारियल पानी भी नहीं लेना, अगर जो आदमी मार्केट में या ऑफिस में या शॉप में जॉब करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो टी के साथ एक कप लाइट टी जो शक्कर के साथ बताई है मैंने पहले भी, तो हैंडफुल काले चने जो भुने हुए होते हैं और रोस्टेड मखाने। तो रोस्टेड मखाना आपको मार्केट से मिल जाएगा, उसको आप रोस्ट कर लो घर पे, और आपको लंच बॉक्स में या आप लिफाफे में अपने साथ कैरी कर सकते हो, ईजिली हो जाएंगे कैरी, तो आप कहीं पर भी टी के साथ उसको ले सकते हैं। तो देन आप इसके बाद आ गया आपका लंच का टाइम, 1 to 2 बजे लंच का टाइम है। लंच के टाइम में आपने एक चपाती विद 1 कटोरी वेजिटेबल, एक खीरा, एक टमाटो और 1 बॉल कर्ड, आप ये चीज़ें साथ में ले सकते हो। चपाती अगर आप वर्किंग ज़्यादा आप चपाती 1 to 2 चपाती भी कर सकते हो। एक खीरा लेना है आपने, एक टमाटर खाना है, एक खीरा काट के खाना है आपने, एक टमाटर खाना है और 1 बॉल कर्ड है। देन 3 शाम को 5 बजे फिर आपका 1 कप टी विद हैंडफुल चना और मखाना है, और इवनिंग 6 PM इफ पॉसिबल अगर आप फ्री हो डू सम एक्सरसाइज लाइक स्किप रोप, गो वॉक फॉर वॉक, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा आपको
जैसे वॉकिंग और स्किप रोपिंग, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मीन्स जो आपका लटका हुआ मास है वो भी हार्ड हो जाएगा और आपका बॉडी वेट भी कम करेगा और स्टेमिना भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। देन 7 to 8 डिनर का टाइम आ गया आपका, सेम एज अ लंच, 1 बोल वेजिटेबल दाल और 1 चपाती और 1 बोल ओट्स, 1 बोल दलिया विद वेजिटेबल्स। आप ओट्स को भी बना के खा सकते हो और दलिया भी आप वेजिटेबल में बनाकर खा सकते हो। ये फ्रेंड्स एक ध्यान में रखना भी, आपने इनमें किसी ने भी रिफाइंड में कोई भी सब्जी नहीं बनानी है आपने, ना तो रिफाइंड में बनानी है नॉर देसी घी में कोई भी सब्जी नहीं बनानी है आपने। या सरसों का तेल बन सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। ये ध्यान में रखने वाली बात जरूर है भी, आप जो भी सब्जी बनाओगे आप वो कोई भी सब्जी आपकी रिफाइंड या देसी घी में नहीं बननी चाहिए। और बिफोर बेड मतलब कि सोने से पहले रात को 9 बजे लेकर 10 बजे तक फीकी सौंफ, जो फीकी सौंफ एक मीठी सौंफ होती है जो आप खाना खाने के बाद खाते हो, पर एक फीकी सौंफ आती है, या फिर एलोवेरा अर्क है, आपने फीकी सौंफ को पानी में बॉयल करना है, उस पानी को छन्नी से कुन के फिर पीना है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो एलोवेरा अर्क आप मार्केट से ले सकते हो और गर्म पानी करके उसमें 2 चम्मच डाल के उसको पीना है। तो ये था हमारा 1 महीने का शेड्यूल है, 1 महीना आप इसको ट्राई करोगे तो मेरी गारंटी है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने ट्राई किया है अपने ऊपर, मेरा 10 किलो से 15 किलो वेट डाउन हो गया और मेरा 6 इंचज रिमूव हो चुका है। जो पैंट शर्ट मेरे 42 नंबर आती थी अब 36 आने लगी है। तो अभी करना क्या नहीं करना है, आपने क्या नहीं खाना है और क्या करना है, आपने टी विद शुगर मीन्स आप चीनी के साथ चाय बिल्कुल भी नहीं लेनी, मिल्क दूध हो गया, मलाई होगी, घी आपने बिल्कुल नहीं खाना, स्वीट्स आपने कोई भी नहीं खाने, जंक फूड फास्ट फूड जैसे समोसा कचौरी बर्गर वगैरह बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको अगर आपने अपना वेट रिमूव करना है। करना क्या, डू एक्सरसाइज, पानी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पानी पिए, आप चने खाइए, आप पानी पिए जितना मर्जी पी लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक प्रॉपर स्लीप, आपको प्रॉपर ढंग से सोना है और एक्सरसाइज आपने करनी है। इन द एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस डाइट चार्ट, मैं आपको अंत में ये बता रहा हूँ कि ये जो डाइट चार्ट है, आई ट्राई दिस डाइट चार्ट एट होम माई सेल्फ, मैंने इस डाइट चार्ट को एट होम खुद अडॉप्ट किया है। आई लॉस्ट नियर अबाउट 15 kg वेट एंड 6 इंचज, मैंने 15 किलो वेट कम किया और अपना 6 इंचज भी कम किया इन दिस लॉक टाइम पीरियड। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी, बहुत ही बेनिफिट हुआ है, एनर्जी लेवल मेरा इंक्रीज हो चुका है, काम करने की क्षमता मेरी बढ़ चुकी है। आई एम शेयरिंग माई व्यूज़, प्लीज़ कंट्रोल ऑन योर डाइट, मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए, आप किसी भी बीमारी के साथ लड़ सकते हो। इफ़ एनी वन फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ अवॉइड दिस डाइट, अगर आपको ये खाने से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए। बट मेरी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मैंने लिखा कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, सिंपल सा फूड है जो आप रूटीन में खाते हो, उसी खाने को चेंज कर दिया, ढंग को चेंज कर दिया हमने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वैल्यूएबल कमेंट देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना क्योंकि जो जो नए वीडियोस हम बना रहे हैं उनका अपडेट्स आपको मिलता रहे, और लाइक को जरूर लाइक के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर देना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद।